हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं अपने चैनल भाई बहन स्वागत करती हूँ। तो कल के वीडियो में जिसमें समर अंकित से इतना पूछताछ कर रहा था छुपा रुस्तम, उस वीडियो का मैं लाई हूँ कमेंट्स। आप लोग सुनिए आप लोगों ने किसने किसने क्या क्या कमेंट्स किया है। तो जल्दी से मैं कमेंट्स बोलना चालू करती हूँ। सबसे पहले मैं चालू करती हूँ रीमा जी से। रीमा प्रजापति जी ने लिखा है, समर का भी किडनैप हुआ होता तो अच्छा होता, काश काश उसका किडनैप हुआ होता। अरे उसके बाद मैं नाम लूंगी सविता केशवाला जी का। सविता जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, सब समर ने गुनगुन के बुढ़ा का काम है, राधिका का परिवार का फंसाने के लिए। अगर गुनगुन किडनैप होते तो गुनगुन के बाप को हार्ट अटैक आ जाता, गुनगुन समर की माँ के पास बैठी होगी। अभी तो मौसी बनी मम्मी भी गायब है भाई, वो भी तो सीन में नहीं है। और यहाँ पे गुनगुन मैडम को तो ऐसा पता नहीं है, गायब है जो। और यहाँ उनके पापा को तो हार्ट अटैक भी नहीं आ रहा है, जबकि ऐसे तो कितने सारे हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। समझ में आ रहा है हम लोगों को, हम लोग भी बेवकूफ़ नहीं है सविता जी, ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। फिर मैं नाम लूँगी कुसुम जी का। कुसुम जी ने लिखा है, अंकित ने पापा के हाथ से चांटा मिला, अंकित ने पुलिस स्टेशन या है, समर और पापा क्यों मारेंगे, कर है गुनगुन किधर बैठी है, ये नहीं तो पापा को थर्ड हार्ट अटैक आ जाए। एकदम आप लोग सही बोल रहे हो, गुनगुन अगर सच मिसिंग होती ना तो उसके पापा को सच में हार्ट अटैक आ जाता, मगर कोई हार्ट अटैक नहीं होने का है क्योंकि गुनगुन तो उनके पास ही है। फिर मैं नाम लूँगी हेमा जी का। हेमा जी ने लिखा, दीदी गुनगुन्स ब्रदर नेवर स्पीक ट्रूथ एंड सेज अलियर राज जी वॉज इन्वॉल्व इन दिस केस एज ही सेज राज जी वॉन्टेड एनी हाउ राधिका टू कम बैक टू समर हाउस, सीन्स अंकित इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दिस ऑल्सो। एकदम एकदम आपने सही कहा है। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है, अगर सच में अंकित ने गुनगुन को किडनैप किया है तो ठीक है, एक वो तो है एक किडनैपर, उसके लिए राधिका या गुनगुन कोई भी हो मैटर नहीं करता, उसका काम यही है। इसके साथ और एक काम करता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को केमिकल बिस्किट खिलाता है और उसके अंदर बच्चे को मार देता है। ये है शिक्षा संस्कार जो अंकित और गुनगुन इनहेरेंट किया उसके पेरेंट्स से। बेटी हमें लगता नहीं इनमें से कोई गुनगुन को किडनैप किया, बल्कि गुनगुन अपने आप को किडनैप की राधिका और उसकी मम्मी से बदला लेने के लिए। देखो गुनगुन के पापा हर दिन समर के घर आते हैं, सो पापा से मिलने के लिए घर जाने एक प्रेग्नेंट बीमार लड़की को अकेले घर से निकलने, ये एक ज़बरदस्त डाउटफुल मैटर है। लास्ट में देखो ये बच्चा रहे या ना रहे, मुझे तो लगता है आंटी अब मिसकैरेज वाला ड्रामा चालू होगा। जैसे गुनगुन मिल जाएगी, गुनगुन ऐसे हालत में मिलेगी कि बोलेगी कि मेरा बच्चा नहीं रहा। मुझे यही डाउट अब हो रहा है, अब यही सीन आने वाला है, अब देखना। क्योंकि इनके सीन्स देख देख के ना मैं भी अब लगता है समर के ब्लॉग्स लिखने लगी हूँ। फिर मैं नाम लूँगी विमला जी का। विमला जी लिखा है, समर से कह कर गई है, गुनगुन साफ दिखाई दे रहा है, समर की चाल है साथ में गुनगुन के बाप की भी। एकदम सही का विमला बहन, इन दोनों की ही चाल है, ये जमाई और ये ससुर का। ये लोग दोनों मिलके हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऊपर से पुलिस तक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर दुर्गावती जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा, ठीक बोल रही है बहन, समर सबका ही करा दिया है, नागिन को नाक छुपा दिया है, सब समर नाटक कर रहा है, एकदम नाटक कर रहा है, मैं तो बोलूँगी नाटक कर रहा है। दीपाली जी ने मैसेज किया है, सिस्टर क्या पता गुनगुन को समर ने छोटी माँ के साथ गांव भेज दिया हो, पॉसिबल है दीपाली जी, एकदम पॉसिबल है। और समर गुनगुन का बुढ़ा बाप किडनैप का नाटक कर रहा हो, क्योंकि ये नौटंकी टोली है, एकदम ये लोग नौटंकी वाले लोग हैं। गोपाल जी, श्री गोपाल जी ने लिखा है, सब समर का नाटक है, समर के गांव में भी खोज करो, गुनगुन की प्रेगनेंसी पर भी डाउट है। मुझे तो डे वन से डाउट है गोपाल जी, डे वन से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट मुझे नहीं नज़र आई, एक महीना भी हो गया, अरे कोई डेवलपमेंट, एक महीना से तीन महीना तक कोई डेवलपमेंट ऐसे भी नहीं होता है। पर उसके पहनावे से तो वो लगती ही नहीं है प्रेग्नेंट। उसके बाद तीन महीने जैसे पार होता है लेडीज़ लोग का, एक कुछ तो डेवलपमेंट होता है उसका, वो भी नहीं है लक्षण, तो कहाँ से मान लूँ। बस डीएनए रिपोर्ट के चलते ना मैं चुप हो जाती हूँ, मेरे मुंह बंद हो जाती है, नहीं तो मैं तो पूरी बोल दूँ कि गुनगुन प्रेग्नेंट नहीं है। कंचन जी ने मैसेज किया है, आपने सही बोला है, ये इन लोगों की चाल है, जिसकी लड़की 4 दिन से गायब हो वो अपने सब
वो सभी मामा को घर में बुलाते हैं, मेहमान को घर बुलाते हैं, लेते हैं और मारने वाला होता है। ये तो दिखावा कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। एकदम बेटा बेटी सब तो बाप माँ के चलते ही खराब हो गए और यहाँ पे मार के उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत देर हो गई है, सही में बहुत देर हो गई है। इसे तो मैंने कल कहा, आप ही के संस्कार हैं, अब मारने से क्या फ़ायदा। यूज़र BM1LO7WG18 ने लिखा, यस मैडम थैंक यू सो मच। फिर जोस्लिन जी ने मैसेज किया है, गुनगुन कैन लाई अबाउट प्रेगनेंसी बट व्हाट अबाउट द डीएनए रिपोर्ट। एग्जैक्टली दैट व्हाट आई एम सेइंग, डीएनए रिपोर्ट की वजह से मैं चुप हो जाती हूँ। फिर आपने लिखा है, मोर ओवर शी कांट प्ले बुलशिट गेम्स विद राधिका एंड मॉम, दे विल ऑल्सो क्वेश्चन हर अबाउट टमी। एग्जैक्टली इसे तो गायब हो गई है। फिर आपने लिखा है, गुनगुन इज टू स्मार्ट फॉर एवरीवन, शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू डू टू गेट हर डिजायर फिल, शी मस्ट बी थिंकिंग माय फादर इज नाउ ओके विद मी, आई कैन स्टे विद माय फादर, हर मॉम इज नॉट देयर, आई कैन बी अ फ्री बर्ड। आई डोंट थिंक सो, मदर इज ऑल्सो हर मदर, रियल मदर लाइक समर। सबके लोचे यहाँ निकल रहे हैं। फिर आपने लिखा है, समर इज प्रिटेंडिंग दैट ही डज नॉट नो वेयर गुनगुन इज, बट सिस्टर लेट मी टेल, गुनगुन इज वेरी स्मार्ट नागिन, शी इज हाइडिंग विद एन आइडिया व्हाई शी कुड नॉट कॉल हर फादर्स, इफ शी फेल लाइक सीइंग हिम ही इज डूइंग इन आउट ऑफ समर्स हाउस, गुनगुन विल गेट द चाइल्ड अबाउट इट एंड कम बैक एंड टेल समर दिस इज हैपेंड, बिकॉज एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू मी एंड पीपल दैट आर फॉलोइंग गुनगुन, शी इज नॉट प्रेगनेंट, शी लाइड टू समर एंड एवरीवन, वी ऑल आर मदर्स, वी ऑल नो दैट After how many months the stomach starts to show, exactly. So the only way to save herself was to show she has been kidnapped. There are chances she may say, I fell on the road, I did not know what happened when I woke up, I found myself in hospital, if so then why she could not phone either Summer or father. Very well written Josephine ji, very well written, I appreciate your words. यही होने वाला है, वी ऑल राइटर्स आई थिंक सो, हम सब समर के ब्लॉग के राइटर्स बन गए। एग्जैक्टली यही होने वाला है, आप देखना। उसके बाद निर्गला तमंग जी लिखा है, ये लोग का चाल है बहन जी राधिका को घर से निकालने के लिए, एकदम ये तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ, लोग की चाल है। कैरल कोस्टर जी लिखा है, समर एंड गुनगुन फादर हैव सेंट हर फॉर अ हॉलीडे टू हिज विलेज, पॉसिबल, टोटली पॉसिबल। यूजर 21KE6ZW4U ने लिखा है, ये दोनों गुनगुन पापा समर है, एकदम ये तीनों की मिली भगत है। फिर यूजर 2 आपने फिर से लिखा है, दी समर क्या पापा ड्रामा है, इनके पापा तो ड्रामा डे वन से ही कर रहे हैं। फिर मेरे अनुरोध भैया ने लिखा है, वॉट इफ अगर गुनगुन समर को डिवोर्स नहीं देती एंड ध्रुव शादी नहीं किया होता, तो नहीं किया होता तो कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट तो गुनगुन को होना ही था, उस घर में तो गुनगुन रहती, उस घर से तो अपने लंदन पैरिस से तो बाहर निकलती नहीं, राधिका यहाँ बेचारी जैसे है वैसे ही रहती और ये समस्या हो जाती प्रेग्नेंट, जैसे अभी हुई है। अभी यही है कि ध्रुव की वाइफ है, तब ध्रुव की वाइफ नहीं रहती, तब समर की डिवोर्स्ड वाइफ कहलाती, पर एक्स वाइफ अपने एक्स हस्बैंड से प्रेग्नेंट हो जाती, यही होता फर्क, और कुछ फर्क नहीं था अनुज भैया, कोई फर्क नहीं था। सोफिया जी ने लिखा है, हाँ मैडम सही है, समर को भी किडनैप करना चाहिए था और अच्छा होता, सही में इसको भी तो आगे किडनैप कर लेना चाहिए था, साथ में दोनों ही तड़ीपार हो जाते। अब देख लेती हूँ किसका मैसेज अगर रह गया हो, मैं जल्दी से पढ़ लूँ, क्योंकि अगर रह गया होगा तो सही बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सबका मैसेज पढ़ा है। मेरी विनीता बहन ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया, मेरी हाजरा बहन ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया, फिर मेरी उषा आंटी ने भी मुझे कोई मैसेज नहीं किया। उषा आंटी आपका मैसेज नहीं है इसमें तो, मगर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, आप लोग जो जो मेरे शॉर्ट्स देखते हो ना, जैसे कि उषा आंटी हैं, रीमा जी हैं, लीना गैसफिट जी हैं, आप लोग जो जो मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, मेरे घर के ब्लॉग्स देखते हो, आप सबको मैं धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से, क्योंकि आप लोग सब मुझे बहुत प्यार करते हो। ऐसा नहीं है कि जो नहीं देखते हो प्यार नहीं करते, आप लोग सभी प्यार करते हो, मगर आप लोग अपने समय निकाल के मेरे पर्सनल शॉर्ट्स, मेरे घर के ब्लॉग्स देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरी यशोदा बहन कहाँ है, यशोदा बहन भी मुझे कोई मैसेज नहीं किया, और रेहाना बहन भी कोई मैसेज नहीं, आई नो आप लोग सब ऊब जाते हो इन लोगों के मैसेजेस गुनगुन समर करते करते, मगर मुझे हाई लिख दोगे ना, मेरे लिए वही बहुत होता है। और बहुत सारे नाम हैं जो मुझे अभी याद आ रहे हैं मगर दिमाग से चले जा रहे हैं, जैसे कि शिवानी सोनी जी है, ये लोगों ने मुझे मैसेज नहीं किया, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ कीप इन टच,
मैं बस यही चाहती हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करो, बहुत मुझे सपोर्ट करो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।